हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार और आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल में। आज हम ये देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट कैसे बनाते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारे सामने की इमेज है जिसमें हमने वाटर ड्रॉप बनाया है और इसका इनपुट ये था और हमने इसमें ये सब ड्रॉपलेट्स ऐड किए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक है और एक काफ़ी सुंदर दिखता है। इसका बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आज से बहुत पहले जब मैंने प्रोसेस सीखा था, जब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, तब मुझे कुछ मैजिक जैसा लगा था। तभी की बात है जब मैं सीखता था, तो जिस दिन मेरे सर ने मुझे इफ़ेक्ट दिखाया था, तभी मेरी एक बहुत ख़राब आदत थी कि मैं कुछ लिखता नहीं था। मैं कॉपी में कभी कुछ नहीं लिखता था, जब पर अब लिखता हूँ। तो जब सर ने दिखाया मुझे, तो मैं बैठ के देखता रहा और सडनली एक बहुत सुंदर ड्रॉप बन गया एक लीफ के ऊपर। तो मैं सोचता रह गया कि हुआ कैसे, और तभी हर कुछ मैजिक लगता था मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि होता कैसे क्या चीज़। तो धीरे धीरे करके मैंने सीखना सीखना शुरू किया, अपने आप को बेहतर बनाया। तो चलिए हम ये देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आपको इमेज लेंगे जिसके ऊपर आपको ये इफ़ेक्ट बनाना है। तो उसके लिए मुझे सब ये लेयर को डिलीट करना होगा। तो ये हमारा इमेज है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक नया लेयर बनाएं, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो एक नया लेयर का आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो एलिप्टिकल मार्किंग टूल है उसको लेंगे। उसे लेने के बाद जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखें, वो करना ना भूलें, शिफ्ट प्रेस कर ड्रॉ करें, नहीं तो आपका पर्सपेक्टिव लॉस हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड होगा, तो कुछ इतना बड़ा ठीक रहेगा। साइज़ आप अपने अकॉर्ड रखें, बाद में हम इसे काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं साइज़ को लेके, पर अभी एक एवरेज साइज़ रखें। उसके बाद इसे बड़ा छोटा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ पे एक साइज़ बना लिया। इसके बाद हम जाएंगे ग्रेडियंट टूल में, जो हमारा ग्रेडियंट टूल यहाँ पे है, इसका शॉर्टकट जी है। ग्रेडियंट टूल में जाएंगे और यहाँ पर हम लेंगे नंबर 3। यहाँ पर जो नंबर 3 है उसे हम लेंगे, ब्लैक एंड वाइट जो जो है उसे लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप टॉप लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब यहाँ पे, यहाँ से आपका ग्रेडियंट शुरू होगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और जहाँ पे ये राउंड ख़त्म होता है वहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे, उसके आगे आप ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके यहाँ छोड़ देंगे इसे। तो हमारा ये ग्रेडियंट हमारा इस राउंड शेप के अंदर बन गया है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे या फिर सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में, जो यहाँ पहले नॉर्मल है इसे हम चेंज करेंगे ओवरले में। तो हमने इसे चेंज कर दिया ओवरले में। ये करने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वो करने के बाद मैं इसे पहले साइड कर देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इनर शेडो में, आपको इनर शेडो यहाँ पे है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज करना होगा लीनियर बर्न में। ये करने के बाद आप इसका ओपेसिटी को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम कर रहे हैं कि हम इसका शेडो बना रहे हैं जो हमारा ड्रॉप के अंदर पड़ता है। तो आपका लाइट, तो अगर हम माने कि हमारा लाइट का सोर्स इधर से है तो इसका शेडो इस तरफ होना चाहिए। इसके लिए इसका ओपेसिटी रखिए 40% और एंगल एंगल कर दे -30। तो आप देखिए हमारा जो शेडो है इस तरफ आ गया। इसके बाद जो डिस्टेंस होगा उसे 2 कर दे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा साइड हमारा। और जो साइज होगा वो होगा 5, या फिर आप 7 ही रख सकते हैं, वो भी काम करेगा। इसके बाद हम जाएंगे ड्रॉप शेडो में। ड्रॉप शेडो में आप देखिए कि शेडो पहले से यहाँ इस तरफ आया है जो हमें नहीं चाहिए, और इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है यूज़ ग्लोबल लाइट उसे हम डिसेबल करेंगे, तो आपका शेडो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ गया। ये करने के बाद आप इसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे लीनियर बर्न। ये करने के बाद आप इसका ओपोजिट कर देंगे 30%, क्योंकि अभी ये बहुत डार्क डार्क है जो हमें नहीं चाहिए। ये करने के बाद हम इसका एंगल कर देंगे। एंगल देखिए लगभग सही है, पर यहाँ पे एंगल आप कर दें 130, तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हमारा जो एंगल है वो अभी भी सही है। और डिस्टेंस कर दें 10, थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा, बाहर का शेडो है क्योंकि ये, और साइज रखें थोड़ा फैला हुआ तो इसे कर देंगे 14। तो ये हमारा बेसिक ड्रॉपलेट तैयार हो गया है, पर अभी कोई बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाईलाइट क्लिक करेंगे। हाईलाइट मतलब जहाँ पे हमारा लाइट
हमारा ड्रॉप को हिट करता है वो एरिया जो बर्न हो जाता है उस एरिया को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम नया लेयर बनाएंगे और जाएंगे अपने ब्रश पे। ब्रश में जाने के बाद हम जो कलर रखेंगे रखेंगे वाइट, प्योर वाइट। और इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके जो हार्डनेस है वो कर देंगे 90 और 80 के आसपास। 90 रखता हूँ मैं यहाँ पे। और आपका जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा आपके ड्रॉपलेट के साइज़ के ऊपर। तो मेरा यहाँ पे साइज है वो लगभग ठीक है, पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। बड़ा करने का शॉर्टकट है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इससे बड़ा छोटा होता है। तो मैं यहाँ इसके बाद यहाँ क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए हमारा ये हाईलाइट तैयार हो गया। आप जूम करके देखेंगे, जूम आउट करके, तो आपको पता चलेगा कि हमारा ड्रॉपलेट है वो पूरी तैयार हो गया है। अब हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों लेयर को सेट करेंगे। तो हम पहला लेयर को सेट करेंगे और दूसरे लेयर को सेट करने पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हमारा ये ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद अब हम इसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने का तरीका है कंट्रोल जे। तो हमारा एक कॉपी बन गया, देखिए यहाँ डार्क हो गया, इसे हटाना होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसे मूव करता हूँ। तो हमारे पास दो अभी ड्रॉपलेट बन गया है। अब इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है कंट्रोल टी, या फिर एडिट में जाके आप फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये करने के बाद आप प्रेस करेंगे शिफ्ट ताकि आपका पर्सपेक्टिव लॉस ना हो। उसके बाद आप इसे छोटा करेंगे, शिफ्ट दबा के छोटा करें। ये साइज ठीक है। अब मैं इसे यहाँ रखता हूँ और एक से कॉपी बनाता हूँ कंट्रोल जे। तो ये हमारा ड्रॉपलेट बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा अलग हो, मतलब कोई कोई ड्रॉप ऐसा होता है कि पानी गिरने के बाद थोड़ी देर बहता है उसके बाद ये ड्रॉप बनता है, तो वो कैसे होता है वो दिखा देता हूँ। पहले मैं इसका एक कॉपी बनाता हूँ, यहाँ मैं इसका कॉपी बना लिया। अब इसको मैं जाऊँगा फिल्टर, सॉरी इस ब्रैकेट, इस ग्रुप को ओपन करना होगा। और यहाँ जो हमारा मेन जो था ड्रॉप, मैं रिनेम कर देता हूँ। रिनेम करना हमेशा अच्छा आइडिया है क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे कि आपका किस लेयर में क्या था। तो यहाँ ड्रॉप है जो, इसे क्लिक लेके अब मैं जाऊँगा फिल्टर लिक्विफाई। यहाँ जाने के बाद आपका जो ब्रश साइज है उसे आपके जो ड्रॉप के साइज से थोड़ा छोटा कर ले, थोड़ा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं करें। और अपना पहला वाला ऑप्शन जो है वो सेट कर ले। ये करने के बाद अब इसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करके ऐसा बना लेता हूँ, इसके प्रेस करता हूँ ओके। तो आप देखिए हमारा जो ड्रॉप था वो कस्टम साइज़ का बन गया है। अब तो आप इफेक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर ड्रॉप बना सकते हैं किसी चीज़ के व्यू पर। और मैं और एक टिप देना चाहता हूँ, जो आपका हाईलाइट है यहाँ पे, ये आपका हाईलाइट जो है, इसे आप अगर मोशन ब्लर डालेंगे तो ये थोड़ा फैल जाएगा। और इस वो होने से होगा ये कि आपका बहुत सारा ड्रॉप आप देखेंगे और आप सर्च करें इमेज सब, तो ड्रॉप का जो हाईलाइट होते हैं थोड़ा फैले हुए होते हैं। तो आप वो भी बना सकते हैं मोशन ब्लर डाल के। दोस्तों यही था हमारा ट्यूटोरियल आज का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।